baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about. तो भाई ये वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, रोल्स रॉयस देख लो ये पड़ी भाई, इससे हुआ था भाई। ये आ रहा था इधर से और ये आ रही थी सीधी, स्पीड बता रहे इसकी 200 भाई। आप ना बचो कुछ भी, ये सीट इन तरह गाड़ी में भाई अंदर कोई बैठ नहीं यार, बहुत सिस्टम है यार। टायर का साइज देखें कितना बड़ा है, हैं प्रॉपर भाई साहब क्या। अरे ये जल्दी में मोड़ रहा होगा पक्का भाई। अरे इनकी स्पीड कितनी होती है, 10 की स्पीड में लेके चलते हैं, स्मॉल लोड ही होता है इनका यार। ये देख इसका डिस्क देखिए एक बार, ट्रैक्टर जितना तो डिस्क है इसका। हां वो बोल रहा हूं अंदर का ट्रैक्टर से भी, ट्रक से भी हैवी डिस्क है सुन। और ये एक देख टूटा ही नहीं, अलग ही नहीं हुआ इतने टूटने के बाद, और नट को कैसे पड़े पता ही नहीं। हां बिल्कुल भाई खत्म प्रयास सो कर हैं। सब प्रेशर वाले भाई खत्म भाई बिल्कुल। ये पड़ा 10 है अभी थोड़ी, ये पड़ा 10 करोड़ है राख बन गया। 15 करोड़ बता, 10 मिनट के अंदर राख कम से कम भी 50 लाख रुपए का लॉय होगा भाई, देखना कम से कम आराम से भाई। स्टेपनी में अलग होगा, स्टेपनी अलग हुई होगी तो बहुत ही कम होगी। अब कैसे इन्हें गाड़ी में रखने की सलाह के गाड़ी में हमारी चलाई अलग के निकालो। हॉर्न 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 की भाई, हॉर्न की भाई अलॉय के निकालो। अलॉय भाई बिल्कुल नए देख, निकालो निकालो हम पर अंदर हम काय को ले जा रहे हैं। भाई बिल्कुल नो खत्म है, साइड का भी खत्म है, इधर खत्म है सब यार। लिकड़ रहो यू यार, टायर वैसे चौड़ा ही देख है भाई। इसमें था ये डीजल का टैंक था जिससे एक्सीडेंट हुआ था भाई। इसका आगे किस्सा देखो, पढ़ो आगे किस्सा इसको, ट्रक का यहाँ से भाई देख लो यहाँ से और कितनी दूर जाके गिर गया भाई। आके तो नट पट सब तोड़ दिया ना, अरे नट वट तोड़े ना तोड़े, कितने पड़े देख। अरे ये देख निकाल ही दिया ट्रक में से ही निकालते। हाँ सबसे बड़ी बात है ट्रक में भाई, ये मेन चीज है ये चीज उसमें जो पार्ट दे सब चीज है ये दे, ये चीज भी टूट गई है ये बिल। हाँ 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 ये चीज तोड़ दी, आठ आठ चीज तो नहीं तोड़ दी भाई। यहाँ लगी हुई गाड़ी शायद सामने, हाँ हाँ इसमें लगी ये रही, ये रहे ना उसका गाड़ी का। अभी तो आगे का सौदा गया है, वो बैंड तो बंदे गिल गए होंगे आगे के, कितनी दूर जाकर पड़ी है ये देखो, टायर फट गए इसके, आदमी मर गए बैंड चल, सबसे बड़ी बात तो ये उनकी आत्मा यही डोल रही है बैंड से बात करो, अपने हाथ धो भैया आत्मा यही यही घूम रही थी भाई। मेन चीज, मेन चीज 12 सिलेंडर की भाई, ना 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 12 सिलेंडर की भाई। ये रहे ना 1 2 3 4 5 6 छह इस साइड और छह उस साइड। इंजन अभी ठीक है, बोला रही ला और स्कैन कर ले भाई देख इंजन राख राख होगी गाड़ी, आग लग गई साली।
पहली बार एक्सीडेंट हुआ भाई, ये सबसे भयंकर वर्ल्ड पहलो भाई वर्ल्ड का फेमस भाई ये फेंडर फेंडर है इसका देख फेंडर नॉट टूट पाग भाई ना टूटे ये पड़ा भाई 15 करोड़ देख लो राख हो गया थोड़ी देर में जल के ये हालत है ट्रक की देख लो भाई ये देखो तो मिट्टी घुस गई भाई कितना भयंकर घुसा पत्थर ही घुस गया इसमें देख ये गाड़ी की पार्ट है आके देख फॉर्म वगैरह देखिए गाड़ी भर के साइड मिरर भाई देख लो एनडीटीवी न्यूज़ वाले भाई हुए तो उनसे बातचीत करते हैं हां आने नहीं चाहता एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट चलो आ जाओ भाई एनडीटीवी वाले आ जाओ यहां पर रॉयल्स 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 रॉयस एंटम गाड़ी जलकर खाक है लेकिन हादसे के कई दिन बाद भी इस मामले में न्यू पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही विकास मालूम जो इस गाड़ी का मालिक है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है लेकिन 12 करोड़ की इस गाड़ी को इस हालत में देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं कुछ लोग गुड़गांव से आए उनसे बात करते हैं भैया बताइए कि क्या नाम है कहाँ से आए जी मैं हूँ लक्ष्य चौधरी मैं आया हूँ गुड़गांव से अच्छा हम करते हैं ब्लॉगिंग का काम अच्छा हम ब्लॉगर हैं क्या क्या करते हैं ट्रैवलर है हम सारे काम करते हैं यहीं से गुजर रहे थे सुना अभी था हमने कि दो तीन दिन पहले अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है रोल रॉयस का वो कीमत बताते सोना क्या देखा आपने हाँ देखा जी हमने गाड़ी में आपके सामने एक गाड़ी का क्या हाल हो गया इतनी गंदी आग लगी है इसमें लोग बच गए हम तो ये देख के आराम है कि लोग बच गए निकल अब देखो जी जो भी चीज़ थी आंखों के सामने सतर पर इसमें एक चीज़ अच्छी है कि चार लोग बच गए 260 या 300 की स्पीड में चार से नहीं ना बच गए देखो जी मेरी गलती के ऊपर डिपेंड है गलती किसकी थी देखा ट्रक वाले की गलती टर्न ले रहा था उसको देखना चाहिए था स्पीड में गाड़ी आ रही है अगर रॉक का कह रहे हैं रोड वाइज वाले की गलती थी वो स्पीड में चला रहे थे वो स्पीड में चला रहे थे अगर वो कट भी लेता वो लेफ्ट साइड कट भी लेता तो सीधा वैसे भी मरता अपने आप को दूसरों को बचाने के लिए खुद ही मरता उससे कंट्रोल ही नहीं है गाड़ी तो उसने सीधा दे मारी गाड़ी आपको क्या लगता है क्या ऐसा होता कि हादसा ना होता वर्ल्ड का पहला ही रिकॉर्ड है ये गाड़ी डबल आर चल गई है वर्ल्ड का पहला ही है तो आज तक हर गाड़ियों की होती है वर्ल्ड में पहली बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड वाइज का वो इतनी खत्म नहीं हुई थी मतलब लोग सेफ थे ना किसी को सबकी सेफ्टी थी ये पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ल्ड वाइज का मतलब स्पीड ओवर स्पीड करते नहीं बच गए मतलब उनकी किस्मत ही अच्छी थी जो बच गए बच्चा देखा हुआ था कि नवाब बन के चले खड़े जी 15 करोड़ की गाड़ी चला रहे अगर आप भी हो गए
बाद अच्छी गाड़ी उतने हिसाब से आप स्पीड से चलाओगे। अगर मेन चीज ये भी है फिर रेस की भी बात आ जाती है, मेरे और आपके बीच में रेस है तो हम दोनों में से जीतने का वो होएगा ना, ये कौन जीतेगा। उनके साथ में 14 गाड़ियां, उन गाड़ियों को पीछे छोड़ के आगे सबसे आगे गाड़ी का बना रहे हो और साथ ही बना रहे हैं। 14 मिनट 40 मिनट पार करके आम आदमी के मन की क्या अपमान करते हैं कि जो जो लोग मारे गए उनको इंसाफ मिले। ये एक सीधी सी बात है, डबल आर का तो इंश्योरेंस हुआ हुआ पड़ा है, इनको तो इनका इंश्योरेंस मिल जाएगा लेकिन इनको ही मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये भी तो किसी उनके के थ्रू ही मिलना चाहिए जिनका वजह से माँ का लाल है, उनका होगा, परिवार होगा, बच्चे होंगे, बेबी होगी, सब सब कुछ होगा। नहीं नहीं जी, उनको ही मिलना चाहिए। अगर देखो अब जो चलाने वाले को पता होगी गलती मेरी है, ओवर स्पीड कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है गलती उसकी है, पर कहीं ना कहीं इनकी भी गलती होगी। यू टर्न ले रहे हैं तो उनको भी पीछे देख के चलना चाहिए। अब देखो जी अगर इंसानियत की बात है तो मेरे ख्याल से उनका फर्ज बनता है कि जो मरे हैं उनके परिवार को कुछ दिया जाए, ठीक है। उनको मतलब वो आपस वाली बात है, आपको कैसा करना है, हम तो जी आपको एक आपकी इंसानियत जैसी बात है करते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप कैसा करो। बस इनकी आत्मा की शांति, आत्मा को शांति मिल जाए और तो क्या हो जाए। तो ये सभी लोग हैं जो यहाँ पर ये देखने आए। तो भाई अभी निकल लिया अपन घर के लिए, लोग जहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से अभी निकले 10-15 मिनट पहले। तो भाई वहाँ पे काफी सारे लोग भी थे, मतलब NDTV वाले न्यूज वाले भी थे उधर, उनसे भी हमारी बातचीत हुई कि भाई उन्होंने हमसे पूछा कि ये कैसे क्या हुआ, जो दो लोगों की डेथ हुई थी उनका क्या भाई उनका। देखो इनका तो जो गाड़ी वालों का तो इंश्योरेंस है, इनका तो इनको तो मिल जाएगा पैसा जितना भी है इंश्योरेंस में इनका, भाई उनको भी तो मिलना चाहिए, वो भी तो गरीब आदमी। भाई गलती भाई है इसमें दोनों की, नहीं गलती तो देख 10% ट्रक वालों की मानता हूँ, 90% में डबल आर वालों की मानता हूँ, रॉयल्स वालों की तो 260 की स्पीड में चल रहे थे। बिल्कुल देख रोड बड़ा है इसकी स्पीड से चल, ये नहीं कि इसकी लिमिट है 120 की इसकी लास्ट लिमिट है 260 की स्पीड। तो भाई उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी बहुत ही ज्यादा, तो बहुत ही बुरा हाल था बहुत भाई। पब्लिक वैसे बोलते कि 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए मिल जाए जिंदगी भर मौज लेंगे, भाई कुछ नहीं है मौज लेने का, देख लो 10 मिनट के अंदर राख हो गए 15 करोड़ रुपए, देख लो राख है भाई, राख बिल्कुल भाई, कहीं कुछ नहीं। अपने आराम से चलो रोड पे भाई, सेफ्टी जरूरी है भाई, सबसे पहले सेफ्टी बिल्कुल भाई। ट्रक वाले तो वो भी तो किसी की मार बिल्कुल भाई, देख लो मेन चीज यार भाई वो ट्रक में थे भाई, ट्रक का जो आगे का हिस्सा ना पूरा बाहर आ गया था, बाहर बिल्कुल कम से कम 200 मीटर दूर जाके पड़ा भाई, देख लो। मगर यार भाई हद होगी भाई, स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। हम भी कभी कभार अपने वैसे देखो हम चलाते नहीं, पर कभी कभार मन कर जाता खाली रोड होता जैसे ये है अब अपना मुंबई एक्सप्रेस तो भाई चला लेते, तो भाई हमको भी डर लगता बहुत ज्यादा हो जाती भाई स्पीड ना 150 बहुत है भाई। पर भाई उसने तो अपनी गाड़ी के हिसाब से देख के गाड़ी उसने, नहीं, तो उसने गाड़ी के हिसाब से नहीं था, अच्छा साथ भाई 14 गाड़ी वो एक ही गाड़ी नहीं थी उसके साथ भाई 14 गाड़ी थी, इनकी रेस लगी थी, रेस लगी हुई थी, वो सब गाड़ियों को पीछे छोड़ के सबसे आगे था वो, गाड़ी कंट्रोल नहीं था। और उसमें जो भाई आग लगी थी वो कैसे लगी थी, ट्रक था जो उसमें था डीजल, जैसे उसमें टक्कर लगी, हाँ डीजल का था वो, तो उसमें डीजल जैसे भाई गाड़ी सफेद मारी भाई गरम और बिल्कुल फिर हवा भी चल रही है साथ में, बॉल पे आए हुए भाई वो डीजल गाड़ी के ऊपर गिरा कैसे उस पार्किंग की वजह से डीजल पकड़ लिया, इस वजह से आग पकड़ ली और गाड़ी में आग लग गई है वो, चाहे वो उसका XYZ कुछ भी रीजन हो बिल्कुल बिल्कुल। और डबल आर दुनिया का था सबसे पहले ही है, पहला भाई पहला इंसिडेंट है भयंकर वाला भाई, जो आग लगी है, आग लगी गाड़ी, बहुत एक्सीडेंट बहुत देखे भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखे, पर ये जो आग लगी थी भाई ये फर्स्ट टाइम देखा भाई हमने, रॉयल्स रॉयस का मैंने देखा ही पहली बार है, फर्स्ट टाइम भाई होगी बिल्कुल, गाड़ी में कुछ बचा ही नहीं भाई। और भाई
गाड़ी में कल हम वीडियो देख रहे थे, गाड़ी के चार टायर सेफ थे बिल्कुल, मतलब वैसे सेफ थे कि गाड़ी पड़ी है जैसे खत्म है, वैसे चार टायर अलॉय जोन के वो थे। आज जैसे हम आए तो उसका एक अलॉय गायब हो गया भाई। इतने कहना चाहता हूँ जो दो भाइयों की डेथ हुई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बिल्कुल भाई भाई वो गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ उनके साथ। तो ये भी कहता है अगर वो दो भाई भी अगर हमारी वीडियो देखे, चार थे वो, दो तो थे ही नहीं, बिल्कुल भाई उनको मुआवजा तो भाई बिल्कुल भाई वो तो मिलना चाहिए भाई बिल्कुल, 50 लाख में कुछ नहीं हो रहा दोबारा। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, तो भाई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, इतने कहना चाहता हूँ। तो भाई वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय बाय।